हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िएक साइंस के लिए। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त में एंड क्या एनर्जीज हैं उनकी। फोकस कीजिएगा गाइस अपने पार्टनर की एनर्जी पे। लेट्स सी दे क्या सोच रहे हैं वो। आपके पर्सन आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर किसी के पार्टनर आज के दिन में उनसे कुछ मांग रख सकते हैं। मांगना मतलब लाइक ये कोई वैसी चीज़ नहीं है, आई थिंक किसी चीज़ की डिमांड ये पर्सन करना चाहते हैं। या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है लाइक आपके पार्टनर की फैमिली में और आप में नहीं बनती है, तो शायद ये आपसे ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरी फैमिली में थोड़ा एडजस्ट कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज है, कोई चीज़ को सेटल करने के लिए किसी चीज़ की मांग, ठीक है? तो यहाँ पर ये पहला मैसेज आ रहा है। आज के दिन में गाइज आपके इस पर्सन से बात हो सकती है और आपके जो पर्सन है वो चीजों को सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर बीच का रास्ता निकल सकता है। यहाँ पर मुझे मिडल वे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नजर आ रहा है कि बीच का रास्ता आपके कनेक्शन में डेफिनेटली निकल सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपसे या यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपसे कुछ सवाल भी आपके पार्टनर डेफिनेटली आज के दिन में पूछ सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कुछ प्रॉब्लम है, क्या मेरे साथ तुम खुश रहोगे, क्या तुम अपनी इज्जत छोड़ सकते हो। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसे सेटल करने की जो एनर्जी होती है ना, तो किसी के साथ ये रेजोनेट कर सकती है। कुछ चीज़ें यहाँ पर सेटल हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। यहाँ पर 2 नंबर है और 3 नंबर है, ठीक है? 2 नंबर है, 3 नंबर, 2+3 5 नंबर है। ओके यहाँ पर किसी की लर्निंग में एक चीज़ उसको समझ में आई है कि जिद और गुस्से से इस पर्सन को चीज़ें नहीं मिलेंगी और कहीं ना कहीं इस पर्सन को नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे एंजल्स ये बताने की कोशिश करें कि आपका पर्सन ये कह रहा है कि वो अपना गुस्सा अपनी इज्जत छोड़ने के लिए तैयार है। आप अपना गुस्सा अपनी इज्जत छोड़ दीजिए, चीज़ों को सेटल कर लीजिए, बीच का रास्ता निकाल लीजिए, ठीक है? यहाँ पर जो लोग भी थर्ड पार्टी में है, सब तो नहीं होते, देखिए गाइस सब थर्ड पार्टी में नहीं होते कि थर्ड पर्सन आप लोगों के कनेक्शन में अवेलेबल है। कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो आपके कनेक्शन में अवेलेबल है तो आपके पर्सन उससे बड़े दुखी हैं, ठीक है? यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि जितने भी लोग थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी कनेक्शन है और आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा था और फिर कोई बीच में आया है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर उस व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ओके यहाँ पर आपके पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में देख रहे हैं, तो उन्हें बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि कोई भी दिशा इस पर्सन को कंफर्टेबल फील नहीं करा रही है। जैसे आप अपनी लाइफ में जब किसी सिचुएशन पे स्टक हो जाते हैं ना, तो आप बहुत सारी रास्ते देखते हैं, इस रास्ते पे क्या पॉसिबिलिटी है, इस रास्ते पर क्या पॉसिबिलिटी है, इस रास्ते पर क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ही ये पर्सन चारों दिशाओं में देख रहे हैं और उनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि हर रास्ते में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर रास्ते में पर्सन को आप ही दिखाई दे रहे हैं। यानी ये ऐसे ही रास्ते बना रहे हैं जहां पर पॉसिबिलिटी आपके साथ हो, ठीक है? ऐसा कुछ यहाँ मैसेज है।
यहाँ पर मेरे को एक मैसेज मिल रहा है गाइस, आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई लेडी का मैसेज है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको बार 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 किसी ना किसी तरीके से टारगेट करने का मौका ढूंढती रहती है, ठीक है. ये देखिए मदर भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो आपको बहुत टारगेट करते हैं, और ये कोई फीमेल फिगर है, ठीक है. तो आपके पर्सन बार बार उससे आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैसेज दे रहे हैं. यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग ये कनेक्शन में परेशानी का कारण, ठीक है, कल भी मैंने बताया था कि आपके पार्टनर किसी तीसरे की वजह से आपसे बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि कोई आपको टारगेट करता है. यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है, जिन लोगों के भी कनेक्शन में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, और उसका आना बनता नहीं था आपकी लाइफ में, एक कार्मिक पार्टनर आया हुआ है, तो यहाँ पर एक नज़र आता है गाइस कि कहीं ना कहीं वो जो भी इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा टारगेट कर रहा है, ठीक है. मतलब एक तरीके से ज़िद्दी इंसान हम बोल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है. पर यहाँ पर एंजल्स भी जैसे अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स भी जैसे अपना काम कर रहे हैं. जो चीज़ ज़बरदस्ती में आई होती है, एक चीज़ बहुत अच्छी बताती हूँ मैं, जब भी कोई चीज़ ज़बरदस्ती से बनी हुई होती है ना, तो यूनिवर्स पूरी कोशिश करते हैं उसको टारगेट करने की. मतलब जैसे कर्मा का एक नियम है, ठीक है, कोई लेसन यूनिवर्स को आपको सिखाना है, तो वो क्या करते हैं कि जिस जिस तरफ आप उम्मीद लगाए होते हो और लेसन लर्न नहीं करे, तो वहीं से चोट देते हैं वो आपको. एक बार चोट देंगे, आप फिर साइकिल रिपीट करेंगे, और दूसरी बार फिर से चोट देंगे, और फिर तीसरी बार साइकिल रिपीट करेंगे, तीसरी चौथी बार फिर से चोट देंगे. तब तक चोट देंगे उसी व्यक्ति के थ्रू जब तक कि आप ये नहीं समझ जाते कि ये कोई कार्मिक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और मुझे इसे ब्रेक करना है और मुझे इससे दूर जाना है. जैसे ही आप ये चीज़ समझ जाते हो, आप कहते हो मैं अपने आप को इस कार्मिक साइकिल से रिलीज करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, ठीक है, और अब मैं इस हमेशा से इस डर से, या फिर जिस भी वजह से आप बार बार जाते थे, आपने वो काम करना बंद कर दिया, आप देखेंगे कि वो जो भी चीज़ है, वो साइकिल है, वो वहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है, और आप नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर गए, या फिर एक नई चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि अगर आपका पार्टनर और ये इंसान ज़बरदस्ती में साथ में आए हैं, और इनका आना बनता ही नहीं था, ठीक है, ये जस्ट कार्मिक लेसन देने आए हैं, कार्मिक कोई है इंसान, तो कार्मिक्स क्या करते हैं, आपको बार बार ट्रिगर करते हैं. तब तक ट्रिगर करते हैं जब तक कि आप खुद इतने सक्षम नहीं बन जाते कि आप कह दो कि मतलब मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है, या फिर आप खुद ही छोड़ दो, ठीक है. तब तक वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे और करते रहेंगे, और कर्मा का नियम ही है, जहाँ से आपको बार बार ट्रिगर मिले और आपको ऐसा लगे कि सेम साइकिल में घूम रहा हूँ और बार बार ट्रिगर मिलता है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं, वहां से हटने की जरूरत है, वरना यूनिवर्स उसी व्यक्ति के थ्रू इतना तोड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते. और जब तक आप मान नहीं जाते, ठीक है, जब तक, कभी तो ऐसा समय आएगा जब आप कहेंगे कि अब बस बहुत हुआ, तब वहां से आपका वो कर्मा रिलीज होता है. तो ये थर्ड पर्सन जो भी है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है.
मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपके पार्टनर के सामने बहुत समझदार बनने की कोशिश करता है, ये तीसरे ही पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है। ये इंसान आपके पार्टनर के सामने बहुत ही ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है। कुछ लोग होते हैं ना चतुर चालाक चापली टाइप के, ठीक है, कि वो सामने बड़े होशियार बने, ये देखो हम कितना कुछ आता है, आता जाता कुछ नहीं है लेकिन होशियारी दिखानी होती है अपनी। तो वो चापली टाइप का इंसान है ये, जो भी है मतलब चतुर टाइप का, कि अपने आप को ऐसे दिखाना कि मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत मैच्योर हूँ, बहुत लोगों के बारे में सोचता हूँ, सोचती हूँ, ठीक है, मुझे सब कुछ मालूम है और मैंने बहुत दुनिया देखी है, इस तरीके के जो लोग होते हैं। देखिए चालाक लोगों में और भोले लोगों में एक डिफरेंस होता है, भोले लोग जो है ना बनावटी बातें नहीं कर पाते, ठीक है, और जो भी बोलेंगे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, ठीक है, और जो चतुर चालाक टाइप के लोग होंगे ना वो बनावटी बातें भी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं उनके एक्शन में आपको समझ में आएगा कि जो ये बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब यू नो कर नहीं रहे हैं, या फिर देखिए चालाक लोग अलग समझ में आ जाते हैं और आपको भोले भाले लोग अलग समझ में आ जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन वाइब समझ में आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही मैसेज है कि कोई आपके पार्टनर के सामने बड़ा समझदार बनता है, बड़ा होशियार बनता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत समझदार हूँ, ठीक है। बट जैसे आपका पर्सन भी अगर बहुत ही गजब का इंसान है और कहीं ना कहीं अवेकनिंग से जा रहा है या थर्ड आई ओपन हो रहा है, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ जाती है कि जब भी आपका थर्ड आई ओपन होता है आपको ये तो समझ में आ जाता है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है और कौन के इंटेंशंस क्या है, ठीक है। जब तक आप थर्ड आई नहीं ओपन होता तब तक आप पहचान नहीं पाते हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद आप ये तो पहचान ही लेते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ओके चलिए गाइस कार्ड से देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। अच्छे बने बनाए कनेक्शन की वाट लगी हुई है यहाँ पे, कितना खूबसूरत कार्ड आया था नीचे से लवर्स का, एंड यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। आज के दिन में किसी के पर्सन उनसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे वो आपसे बात कर सकते हैं। ओके देखिए ये पर्सन आज के दिन में काफी इमोशनल थे आपको लेकर, ठीक है, काफी ज्यादा इमोशंस इस पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं आपको लेकर। मतलब कोई इंसान है जो आपको फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, और आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है, उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ चीजें सेटल हो जाए उसकी, ठीक है। बट यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आपका पर्सन आपको क्या बोले वो ये सोच नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई सिचुएशन तो उसके कनेक्शन में आपके कनेक्शन में अभी भी बनी हुई है, ठीक है, मतलब जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब यू नो आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जब वो किसी तीसरे के बारे में सोचते हैं तो वहां पर स्टक हो जाता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ से निकल पाना इस पर्सन के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। जैसे मतलब ये पार्टनर इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ये निकल कर आ रही है कि मैं
मतलब मैं कैसे इस चीज को एक्सप्रेस करूं, यानी कि जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका पर्सन आकर आपसे बोलता है कि वो आपको चाहता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे अगर आप मेरे को चाहते हैं तो बताइए आपका एक्शन क्या है. तो जैसे एक्शन के बारे में आप इस पर्सन से बोलेंगे ना, तो ये पर्सन जैसे आपसे क्या कहेंगे, टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है, तो ये पर्सन ये कहेंगे कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता. क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई तीसरा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा होशियार बनता है, या फिर यू नो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है. जैसे यहाँ पर इस पर्सन को नजर आता है कि आपको हक है, ठीक है, अपनी फैमिली बनाने का, आपको भी हक है अपनी लाइफ को जीने का, ठीक है, तो ये पर्सन आपको यूज नहीं कर सकते. देखिए कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं. जो बेकार लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को भी जीऊंगा और मैं तुमको भी जाने नहीं दूंगा. इस तरीके के जो वाहियात लोग होते हैं, इनकी लाइफ में इनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए, ठीक है. क्योंकि मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जो डिवाइन काउंटर पार्ट की जो एनर्जी होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है कि वो आपको कभी भी ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें, अपनी लाइफ में खुश ना रहें, ठीक है. उनका हमेशा सिस्टम ये रहता है कि वो आपको झूठी कमिटमेंट देते ही नहीं हैं, ठीक है, मतलब कमिट नहीं करते हैं, किसी तरीके के झूठा वादा भी वो नहीं करते हैं. अगर उनके दिमाग में होगा तो ही वो कर सकते होंगे, तो ही वो कमिट करेंगे, तो ही वो बात करेंगे. अदरवाइज वो कह देंगे कि भाई नहीं हो पा रहे, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है. सो वो बहुत लंबे टाइम तक आपको नो कॉन्टेक्ट में डालते हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ ये काम नहीं करते हैं कि आपको यहाँ पर परेशान करें और खुद भी अपनी लाइफ में ऐश करें, ठीक है, ऐसा वो काम नहीं करते हैं. क्योंकि देखिए अगर कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप ही की तरह डिवाइन सोल है वो, भले ही बाहर से वो कुछ भी क्यों ना दिखा रहा हो, लेकिन अंदर से उसके अंदर डिवाइन एनर्जीज हैं और काफ़ी जागृत मात्रा में है. तो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ इस तरह की हरकत करे, ठीक है. सो वो लंबे टाइम तक आप देखिएगा, आप लंबे टाइम तक अगर किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट में होते हैं तो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही है, ठीक है. जब तक उनको श्योरिटी नहीं होती कि वो आपको कमिट कर सकते हैं, तब तक उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. अब यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बात कर लें, आपके साथ चीज़ें क्लियर कर लें, आपके साथ एक तीसरा रास्ता भी निकाल लें, लेकिन फंस यहाँ पर जाते हैं कि उस तीसरे को छोड़ने का रास्ता इस पर्सन को अभी तक भी नहीं मिला है, ठीक है. मतलब कुछ लोगों के कनेक्शन में बहुत स्ट्रांग मैनिपुलेट थर्ड पार्टी है, जो अपने आप को बहुत होशियार चालाक टाइप दिखाकर आपके कनेक्शन में जमी हुई है, ठीक है, और जो आपके पर्सन को इमोशनली स्टक करके रखे हैं, यानी आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए हैं कहीं ना कहीं, वो भी ये जानता है या जानती है जो भी है, ठीक है. लेकिन वो कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना बना कर रखना, सो कुछ वैसी वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो रही है. ओके, तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, आपके पर्सन को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करें, ठीक है, क्योंकि इंसानियत है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, आपको लेकर भी है और उस इंसान को लेकर भी है. और यही एक क्वालिटी होती है, मतलब एक डिवाइन सोल की, कि कोई उन्हें कितना भी हर्ट करे लेकिन उनके अंदर इंसानियत होती है, वो मतलब इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं. दूसरा, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपको स्टक कर रहे हैं अपने साथ, तो फिर इनको आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि आपका भी हक है कि आप अपनी फैमिली में खुश रहें, आपके पास भी सारी चीज़ें हों, ठीक है. तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो फुली कमिटमेंट की जो बात कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे कर रहे हैं कि यूनिवर्स इस पर्सन को पाथ दे दे, ठीक है. मतलब एक होता है ना कि डिवाइन इंटरवेंशन से थर्ड पार्टी रिलीज हो जाए, कुछ ऐसा इस पर्सन की चाहत है, ठीक है. क्योंकि देखिए अगर ये पर्सन ऐसा कोई स्टेप लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि ये गलत करेंगे, ठीक है, एक बार ये पहले गलत कर चुके हैं, दोबारा ये फिर से गलत करेंगे, तो ऐसा इस पर्सन का मानना है, ऐसा इस पर्सन का सोचना है, ठीक है. और देखने की हम कोशिश करते हैं. आपके पर्सन की लाइफ में ना टावर मूवमेंट्स भी चल रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर ऐसी मैसेज निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में टावर मूवमेंट्स भी चल रहे हैं, एंड हर्मिट एनर्जी है. हर्मिट एनर्जी दिखा रही है कि आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो मतलब अकेलेपन का ही शिकार ही है. देखिए ये पर्सन बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ चुके हैं, ये रीडिंग कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रही है कि आपका पार्टनर समझ चुका है कि आप उसके लिए क्या हैं, वो ये भी समझ चुका है कि दूसरा इंसान उसके लिए क्या है, वो ये भी समझ चुका है कि उसके साथ क्या सिचुएशन बन रही है, उसे ये भी समझ में आ गया कि ये कर्मा है, उसे ये भी समझ में आ गया कि उसे आपसे क्या क्लियर कम्युनिकेट करना है. मतलब क्लियर कम्युनिकेट का मतलब कि वो जानता है कि उसको आपको क्या बोलना है, कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताना है, ठीक है.
एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन ये पर्सन को सिर्फ एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है कि जहाँ पर ये फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर कैसे निकले। मतलब आपके साथ ये पर्सन कल चीज़ों को सेटल कर ले अगर ये यूनिवर्स इस पर्सन को डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू उस व्यक्ति के साथ अलग करे, क्योंकि ये पर्सन खुद से स्टेप नहीं लेना चाहते। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये खुद से स्टेप लेंगे तो ये गलत करेंगे। मतलब अगर ये खुद से कोई स्टेप लेते हैं तो डेफिनेटली ये उस इंसान के साथ गलत करेंगे, या फिर एक तरीके का मतलब धोखा होगा या चीटिंग होगी, जो भी इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब एक डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है, ऐसा मेरे को मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन जैसे तैयार है। ठीक है, ये पर्सन जैसे तैयार है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। जैसे एक होता है ना कि आपका पार्टनर ही अगर डिनाइल मोड पर हो तो फिर यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका पार्टनर रेडी है, आप रेडी हो और फिर भी सिचुएशन बनी हुई है, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जब यूनिवर्स को आप मिलाते हैं, जब आप दोनों की चाहत हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि एक एक की चाहत है बट दूसरा वाला रेडी नहीं है, या फिर उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में ये चीज़ें लंबे तक जाती हैं। ठीक है, तो वो मेरे को यहाँ पर मैसेज मिला है। तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके के सवाल जब करते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने माइंडसेट से कितने क्लियर हो, आप क्या चाहते हैं, एक्चुअल में आपकी चाहत क्या है। जब अपनी चाहतों को लेकर क्लियर क्लियर हो जाते हैं, यूनिवर्स में क्लियर कॉल देते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं क्लियर हो ही नहीं पाता हूँ कि मेरे लिए सही है भी या नहीं, तो फिर वहां पर मैं ये कहती हूँ कि डिवाइन को अपने अकॉर्डिंग काम करने दो। जब तक आप क्लियर नहीं हैं, इसका मतलब है हीलिंग बाकी है, हीलिंग बाकी है, यानी यूनिवर्स अपने हिसाब से काम करेगा तब तक। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, इट मीन्स कि आपका वो सही समय है ही नहीं। ठीक है, आपको हीलिंग अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो क्लैरिटी नहीं मिलती है, वो क्लैरिटी उनके खुद के इशूज़ की वजह से नहीं मिलती है। ठीक है, और जब वो इशूज़ क्लियर होते हैं, तब वो एक क्लियर मैसेज देते हैं, तब जाकर यूनिवर्स एक्शन में आता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को आपके पर्सन की तरफ से चीजें क्लियर नजर आ रही है। क्लियरिटी का मतलब कि खुद के पर्सन ये जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन ये समझ में नहीं पा रहे कि इस चाहत को अंजाम कैसे दिया जाए, यानी कि जो ये बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं उसको निकाला कैसे जाए। मतलब वो कोई भी जो भी तीसरा इंसान है उसको अपनी लाइफ में किस तरीके से ये उसके साथ व्यवहार करें, ट्रीट करें, समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर का आपके लिए मैसेज लेते हैं हम। यू एंड आई इज़ द ब्यूटिफुल नेम ऑफ माई वर्ल्ड। ठीक है, आप और ये पर्सन इनकी दुनिया के सबसे खूबसूरत नाम है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए हैं अनजान बनकर, तब से इस पर्सन की लाइफ में जैसे आप ही सब कुछ हो गए हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। ठीक है, ये पर्सन कह रहे हैं कि आप ही आखिरी मोहब्बत हैं। ओके, यहाँ पर 10 नंबर आ रहा है। ठीक है, जेमिनी वालों के लिए मैसेज है। ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर आप इस पर्सन को जिद्दी बोलते हैं, तो ये पर्सन कह रहे हैं आप भी जिद में कम नहीं हैं। ओके, सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।